अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फहद और आप मौजूद हैं थर्ड आई की इंफॉर्मेटिव दुनिया। आज मैं बहुत मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया। जी हां, ऐसा गोश्त जिसे कल्चर्ड मीट या लैब ग्रोन मीट कहा जाता है, वो गोश्त खाने वाले इंसानों के लिए बना लिया गया है। आप ये सुनकर बहुत हैरान होंगे कि ये लैब में बनाया जाने वाला गोश्त सिंगापुर में लीगलाइज भी हो चुका है और वहाँ रेस्टोरेंट में इसके डिशेस बनाई जा रही हैं। वहीं कतर भी दुनिया का दूसरा मुल्क बनने जा रहा है जो इस कल्चर्ड मीट को कानूनी इजाज़त देने जा रहा है, और बहुत जल्द ये लैब में मशीनों के जरिए बनाया जाने वाला गोश्त आपको कतर के रेस्टोरेंट्स में भी नज़र आएगा। इस गोश्त को किस प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है और क्या ये आने वाले वक्त में ऑर्गेनिक या एनिमल मीट की जगह ले पाएगा, ये सब जानने से पहले हम इस सवाल की तरफ चलते हैं जो आपके जहन में इस वक्त आ रहा है कि इतने वाफिर मिकदार में जानवर होने के बावजूद लैब में गोश्त बनाने की नौबत क्यों आई? आखिर इस गोश्त को मशीनों से बनाने की वजह क्या है? तफसील में जाने से पहले साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मैं आपको लेकर चलता हूँ लैब मीट की तरफ। जब इसे सेल लेवल पर देखा गया तो ये जाना गया कि ये बिल्कुल आम गोश्त की तरह है और देखने में भी और जायका आम गोश्त से ज़्यादा बेहतर भी बना सकते हैं। यानी पैकेट में आने वाला ये कच्चा गोश्त जानवर के गोश्त जैसा ही होगा, बल्कि आप खाकर पहचान भी नहीं सकते कि ये लैब में बनाया गया गोश्त है या किसी जानवर का। दोस्तों, दरअसल साइंसदानों ने जब सर्वे रिपोर्ट्स देखी जो ग्लोबल वार्मिंग से मुतल्लिक थी तो ये बात सामने आई कि ग्लोबल वार्मिंग में जानवर 15.5% अपना हिस्सा डालते हैं। दरअसल लाइफ स्टॉक यानी गायें, बकरी वगैरह अपने अंदर से एक गैस खारिज करती है जिसे मेथेन गैस कहा जाता है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ये गैस सूरज से आने वाली एनर्जी को अपने अंदर जज्ब करके ज़मीन को गर्म करना शुरू कर देती है। ये मेथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 25% ज़्यादा पावरफुल गैस है। इस वक्त हम मेथेन गैस तकरीबन 7.1 गीगाटन गैस लाइव स्टॉक से प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ज़मीन को मुसलसल गर्म कर रही है। इसके साथ दूसरी बात जो साइंसदानों की रिसर्च से साबित हुई है वो लाइव स्टॉक के लिए ज़ेर ज़मीन पानी का कसरत से इस्तेमाल है। दरअसल गोश्त हासिल करने के लिए जो लाइव स्टॉक पाला जाता है, इस गाय के सिर्फ 1 किलो गोश्त की ग्रोथ के लिए गाय को 7,000 से 20,000 लीटर पानी पिलाया जाता है। यानी सिर्फ 1 किलो गोश्त बनने के लिए कम अज़ कम ज़मीन का 7,000 से 20,000 लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है और बहुत से रिसर्चर मुत्तफिक हैं कि 15,400 लीटर तो लाजमी दरकार होता है। दूसरी तरफ इस लाइव स्टॉक के लिए जंगलात काटे जा रहे हैं, या तो लाइव स्टॉक रखने के लिए या इनकी खुराक का बंदोबस्त करने के लिए। यहाँ ये बताता चलूँ कि अमेजोन के जंगलों को जो काटा जा रहा है वहाँ 90% जगह पर सोयाबीन लगाया जा रहा है जो कि लाइव स्टॉक की फीड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साइंसदानों ने देखा कि इंसान गोश्त के हसूल के लिए ज़मीन के इतने ज़्यादा रिसोर्सेज लाइव स्टॉक पर ज़ाया कर रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तब तहकीक शुरू की गई, क्यों ना गोश्त बनाया जाए जो लाइव स्टॉक को रिप्लेस कर दे और इसके लिए दुनिया के कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल हों। आखिर लैब में कामयाबी से प्रोटीन से भरा हुआ गोश्त बना लिया गया और आने वाले वक्तों में आप घर में मशीन रख कर भी ये गोश्त बना सकेंगे। दोस्तों, लैब मीट या कल्चर्ड मीट बनाने के लिए 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में जानवर, मसलन गाय की बात करें तो इसके स्टेम सेल लेते हैं। वो सेल इसके मसल से भी ले सकते हैं और एम्ब्रियो से भी ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप में इस स्टेम सेल को ग्रो किया जाता है और एक मशीन में कल्चर किया जाता है। जब ये ग्रो हो जाते हैं फिर इन्हें एक मशीन में डाला जाता है जिसे बायोरिएक्टर कहा जाता है। बायोरिएक्टर में बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी डाले जाते हैं। इस गोश्त के सैंपल को ग्रो करके 3D एडिटेबल फॉर्म में लगाया जाता है और वो आपके पास मनचाही गोश्त की शक्ल में आ जाता है। और मज़ीद जिद्दत भी की जा रही है जिसके तहत बायोरिएक्टर में ऑप्शंस रखे जाएंगे जिससे आप एडवाइस कर सकेंगे कि मुझे चिकनाई कम चाहिए, प्रोटीन कम या ज़्यादा चाहिए। मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि आप इस गोश्त में मुख्तलिफ जानवरों के टेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं। यानी अगर आपका तीतर खाने का दिल कर रहा है या बटेर या हिरन या कोई और जानवर जो नायाब नस्ल का है तो हमें सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके आपकी पसंद का टेस्ट वाला गोश्त बन जाएगा। दोस्तों, अभी हैरान मत हो क्योंकि हैरान कुन बात तो यह है कि लंदन में इस मेथड के ज़रिए लाइन मीट यानी शेर का गोश्त भी बना लिया गया है और वो मार्केट में बिक भी रहा है।
ये शेर का कल्चर्ड मीट है और लोग इसे धड़धड़ खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ सिंगापुर में 2018 में कल्चर्ड मीट की अप्रूवल दे दी गई थी और कतर दूसरा मुल्क है जो कल्चर्ड मीट को अपनाने जा रहा है। अब ये गोश्त हराम है या हलाल, ये तय करना उलमा कराम का काम है, मगर कतर जैसे मुस्लिम मुल्क में इस गोश्त को कानूनी हैसियत देना सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि गाय का गोश्त भी हराम है अगर इस पर तकबीर ना पड़ी जाए। तो लैब मीट में तो ज़िबा का तसव्वुर ही नहीं है। आखिर में एक और तहकीक इंकशाफ करने जा रहा हूँ। एक इसराइली कंपनी ब्लीवर मीट बहुत बड़ी कंपनी लगाने जा रहे हैं जो अमेरिका में कल्चर्ड मीट की चेन खोलने जा रहे हैं, और ये दूसरी मल्टीनेशनल फूड चेन यानी KFC और मैकडोनल्ड को भी कल्चर मीट प्रोवाइड करेगी। ये कहा जा सकता है कि आने वाले चंद सालों में KFC और मैकडोनल्ड के हर ब्रांच पर कल्चर्ड मीट के बर्गर्स और इनकी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। हमारी नाकुस अकल के मुताबिक ये गोश्त कतई तौर पर हलाल नहीं होगा, क्योंकि ये तकबीर इलाही से ज़िबा होने वाले जानवर का गोश्त नहीं है। बाहर कैप कतर के साथ साथ और भी मुस्लिम ममालिक इस मीट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि अंडर वन रूफ मुख्तलिफ किस्म के नायाब जानवरों के टेस्ट वाला गोश्त मिल सकेगा। तो दोस्तों, आपका इस गोश्त के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।